आज पूरी दुनिया में भारत का बोलबाला इतना ज्यादा हो गया है कि अमेरिका एक तरफ ये चाहता है कि भारत हमारे फेवर में रहे, तो दूसरी तरफ रसिया ये चाहता है कि भारत हमारे फेवर में रहे। हालांकि दोस्तों यहाँ पे चीन का भी ये मानना है कि भारत से चाइना का कोई विवाद ना हो, चाइना भारत के साथ हरदम खड़ा रहे। लेकिन वैसे चाइना के ऊपर तो बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पीठ पर खंजर भोंकने का काम सिर्फ चाइना ही करता है। दोस्तों अगर दूसरी तरफ देखा जाएगा तो रसिया हमारा पुराना दोस्त है, यानी कि दोस्तों रसिया की और भारत की दोस्ती आज से नहीं बल्कि दशकों से है। आज दोस्तों आपको ये भी याद होगा कि 1971 में भारत का साथ सिर्फ रसिया ने दिया था, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी भारत का साथ नहीं दिया था और अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपने जंगी बेड़े को भेज दिया था। अब शायद आपने ये भी पढ़ा होगा कि रसिया ने अपनी एडवांस सबमरीन को भारत की सुरक्षा के लिए भेजा था। देखिए दोस्तों आज एक तरफ जहां पर अमेरिका अपने F-35 फाइटर जेट का ऑफर भारत को दे रहा है, भारत चाहे तो F-35 फाइटर जेट भी खरीद ले, वहीं पे दूसरी तरफ हमारा सबसे पुराना दोस्त यानी कि रसिया भी हमें एक से बढ़कर एक ऑफर दे रहा है। आप लोगों को पता होगा कि जो MRFA डील है यानी कि MMRC डील है, नाम बदलकर अब MRFA रख दिया गया है, उसके तहत भारत को 114 फाइटर जेट खरीदने हैं और वो फाइटर जेट हमें जल्द से जल्द खरीदने हैं। अब रसिया की तरफ से बहुत ही बड़ा ऑफर भारत को दिया गया है और वाकई में ये ऑफर अगर देखा जाएगा तो भारत के लिए अच्छा भी है। फिर दोस्तों यहाँ पर रसिया ने अपने MiG-35 फाइटर जेट को लेके भारत को एक बहुत ही बड़ा ऑफर दे डाला है। अभी आप कहोगे कि MiG-35 को भारत ने अपनी MRFA डील से पहले ही बाहर कर दिया है, तो दोस्तों आप MRFA डील में MiG-35 को क्यों जोड़ रहे हो? तो एक चीज यहाँ पे दोस्तों आप जान लीजिए कि रसिया ने जो ऑफर दिया है ये वाकई में काफी अच्छा ऑफर है। पहला तो आप सभी को पता होगा हमारे पास अभी ज्यादातर जो फाइटर जेट है वो रसिया के फाइटर जेट है और हमें रसिया के फाइटर जेट का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा है। यही बात रसिया ने भी कही है और उसके साथ उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत MiG-35 फाइटर जेट रसिया से खरीदता है तो अब भारत को लगभग 60% टेक्नोलॉजी MiG-35 फाइटर जेट की दे देगी। अब ऐसे में दोस्तों MiG-35 फाइटर जेट भी एक काफी एडवांस फाइटर जेट है और इसे खासकर बॉम्बिंग के लिए बनाया गया है। अगर रसिया भारत को MiG-35 की टेक्नोलॉजी दे देगा तो भारत भी इस फाइटर जेट को लेने की सोच सकता है। मैं यहाँ पे भी कंफर्म बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 60% टेक्नोलॉजी एक काफी बड़ी बात हो गई, वो भी MiG-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट की। क्योंकि दोस्तों इस फाइटर जेट की अगर बात मैं आप लोगों को बताऊं तो इसे खासकर बॉम्बिंग के लिए बनाया गया है, यानी कि दोस्तों किसी भी एरिया में ये घुसता है तो सिर्फ तबाही मचाता है। तो जो बात मैं कह रहा हूँ इसमें सिर्फ 10% है कि भारत इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि रसिया जो हथियार भारत को देता है वही हथियार हमारे दुश्मन यानी कि चाइना को भी दे देता है। इस वजह से भारत अब रसिया से फाइटर जेट लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर रसिया ये कहे कि रसिया इस हथियार को चाइना को नहीं देगा तो भारत प्लान इसका बना सकता है, इसके बारे में सोच सकता है, क्योंकि उम्मीदें बिल्कुल न के बराबर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रसिया का जो ऑफर आया था उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। आपको क्या लगता है, क्या अपने दोस्त से MiG-35 फाइटर जेट खरीदना चाहिए या फिर अमेरिका जैसे देश से F-35 फाइटर जेट खरीदना चाहिए? नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। चलते चलते बस आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जय फटाफट चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।